हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं भरमा बैगन बनाने जा रही थी, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ उसकी रेसिपी। यहाँ पे मसाले में हमने देखिए, इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए टमाटर लिए हैं 2, लहसुन लिया है, अदरक है, लाल मिर्च है और 2 प्याज है। इन सबको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। मैं सिलबट्टे की मदद से पीसूंगी और ये मैंने सिलबट्टे पे मसाला पीस के तैयार किया है। इसमें मिर्च तो है ही, तो नमक, हल्दी, नमक तो डाला हुआ है ये, और हल्दी और धनिया पाउडर, ये भी मैंने मिला करके पीस लिया है। और कुकर रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, और जब जीरा थोड़ा सा हो जाएगा, जीरे को थोड़ा सा पका लेंगे, जब जीरा हो जाएगा उसके बाद में हम जो मसाला पीस के रखा हुआ है वो डालेंगे। ये मसाला है और ये सिलबट्टे का पीसा हुआ मसाला है। बहुत मन कर रहा था कि सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला मतलब मसाला पीसूं सिलबट्टे पे और उससे सब्ज़ी बनाऊं, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ पर जब मिक्सर नहीं था, मम्मी जब बनाती थी तो मैंने उनको सिलबट्टे पे पीसते हुए देखा है और ये सारा खाना मैंने खाया भी है। मेरे पास मिक्सर है लेकिन आजकल मैं जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ वो सिलबट्टे पे पीस करके ही मसाला बना रही हूँ और सच में बहुत टेस्टी बन रही है। और जो टमाटर हमने लिए थे वो मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लिए हैं और इसको भी हम मसाले में ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से इस चॉपर में चॉप हो जाते हैं, बहुत बारीक, बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो मैंने इसमें कर लिया है इसको। और अब मैं ये ऐड कर दूंगी सब्जी में, सॉरी, ये जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा भुन चुका है मसाला, उसके बाद में मैंने टमाटर डाला है और इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये जो मसाला है इसको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतने ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो इसे हम भून लेते हैं, अभी हम इसे ढक के रख देते हैं। मसाला भून रहा था तब तक मैंने ये यहाँ पर बैंगन काट लिए हैं और इनमें मैंने 4 कट लगाए हैं। धुले हुए थे लेकिन उनको मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से धोया और काटने के बाद में उनको पानी में ही रहने दिया है ताकि वो काले ना पड़े। और यहाँ पर मैंने चॉपर भी धो लिया है, इसे धोना भी बड़ा आसान है। तो जब भी कोई चीज़ बारीक बारीक करनी होती है, जैसे कि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, तो मैं इसी में कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है चॉप। और मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा ना, तब फिर मैं उसमें ये बैगन डाल दूंगी। मसाला जितनी अच्छी तरह से भुनेगा उतने ही टेस्टी आपकी सब्जी बनेगी। मसाले को अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर कच्चे मसाले में ही डाल देना तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है। सामान भी मैं सब अपनी अपनी जगह पे रखती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ सब्जी और अपनी अपनी जगह पे सामान भी रख दूँगी। ये आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन गया है, बहुत देर से मैं भून रही हूँ, तो जहाँ तक है कि अब अच्छे तरीके से मसाला हो गया है। क्योंकि इसमें टमाटर भी ऐड किया था ना बाद में, तो उसको भी अच्छे तरीके से भुनने देंगे और तभी फिर हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और भून लेना चाहिए, तो थोड़ा और भून लेती हूँ। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया था, फिर मैंने डाल दिए थे उसमें बैगन। और जब बैगन डाले तो उसके बाद में देखिए इतने पका लेने हैं। ये मैंने भुने हैं, मतलब ढक्कन बंद नहीं किया था इसको, मैं मसाले के साथ चलाती गई थी, काफ़ी देर तक भूनती रही। और जब ये थोड़े से नरम हो गए, ये देखिए हल्के से नरम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुए हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा चाहिए या फिर एकदम आपको पानी ज़्यादा चाहिए, रसे वाली बनानी है ज़्यादा, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर सूखे रखने हैं तो आप सूखे भी रख सकते हैं। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो आप सूखे भी रख सकते हैं। और इन्हें सिर्फ हम एक सीटी आएगी और इसे बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे।
लीजिए, हमारी सब्जी हो गई है तैयार बनके और हमारी प्लेट भी लग चुकी है। तो आज जो हमने लंच में बनाया था वो बनाया था बैंगन की भरमा सब्जी, जो कि मुझे है बहुत पसंद। तो यहाँ पे भरमा बैंगन है, रोटी है, साथ में है पापड़। तो आप लोगों में से किस किस को भरमा बैंगन पसंद है? मैं जानती हूँ कई सारे लोगों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद है। उनमें से एक मैं हूँ, मुझे भरमा बैंगन बहुत पसंद है। मुझे भरमा करेला भी बहुत पसंद है। जो भरमे वाली चीज़ें होती हैं ना, जो भर के बनाई जाती हैं साबुत सब्जियाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये सब्ज़ी सच में टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।